हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए विंटर पोशाक, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आपको मैं ये बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। आप इसके लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने मिक्स एंड मैच मिलाकर ये फैब्रिक लिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर घेर की पट्टी कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई है 5.5 इंच, और मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखा देती हूँ। तो गाइस, आप इसकी चौड़ाई 5 इंच भी ले सकते हैं। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 3, 4, 5 नंबर के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 44 इंच। इससे हमारा घेर अच्छे से आएगा। चाहे तो आप इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, 5.5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच लंबाई की हमारी ये चोली है। और ये देखिए, एक पट्टी मैंने ये कैप के लिए कट की है, जिसकी लंबाई 11.5 इंच, और इस तरीके से ये 2.5 इंच है। ये देखिए, एक पट्टी मैंने इसकी स्टेप जो हम लगाएंगे बीच में उसके लिए कट की है, जिसकी लंबाई मैंने 16 ली है। इस थोड़ी कम ही लगाएंगे, और इस तरीके से ये 1.5 इंच थी। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से सिंपल अब हमें इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आप मुझसे कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्रेया क्राफ्ट एंड क्रिएशन। ये देखिए, हमें सिंपल इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। चाहे तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें अस्तर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये गर्म फैब्रिक है। चाहे तो आप अस्तर का यूज़ कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है। सिंपल अब हमें इस तरीके से इसमें घूम भरने स्टार्ट करने हैं। ये देखिए, जैसे मैं घूम भर रही हूँ, इस तरीके से सेम ऐसी ड्रेस आप वेलवेट के फैब्रिक से ही बना सकते हैं। जैसे कि आपने रेड और येलो वेलवेट का फैब्रिक ले लिया, उससे भी काफ़ी सुंदर ड्रेस बनेगी। बहुत ही जल्दी इस तरीके की कान्हा जी की हम ड्रेस अपने आप से खुद से बना सकते हैं। ये देखिए, सिंपल हमें इस तरीके से घूम भरने हैं, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से घूम भर कर इनको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने घेर नापा है इसका, ये आया है हमारे 5.5 इंच। तो इस तरीके से अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 4 भी आएगा तो भी चलेगा, और उससे बड़े के लिए बना रहे हैं तो 4, 4.5, 5.5, 6 तक भी चलेगा। ये देखिए, क्योंकि हम इसमें डोरी डालेंगे, उरेब की पट्टी कट करेंगे। सिंपल इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके रखी है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से नेफा लगाने का। उल्टी साइड से हमें पट्टी ये लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको स्टिच के यहाँ से काट देंगे एक्स्ट्रा, हल्का सा अंदर फोल्ड करेंगे पट्टी को, इस तरीके से स्टिच कर देंगे। सिंपल अब एक डोरी लेंगे, पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे, और यहाँ से हमें ना ही मोड़ना है ना ही कुछ, क्योंकि हमने पहले ही डबल फोल्ड करके लगाई थी। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, कितनी जल्दी हमारा कान्हा जी का ड्रेस का घेर बनकर रेडी हो जाएगा। चोली भी मैं आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पूरा स्टिच कर देंगे। अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में, उसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको यहाँ से हमने पक्का कर दिया है। अब लिया है मैंने चोली का फैब्रिक, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे, और सिंपल चौक से इस तरीके से आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं हल्का सा, और यहाँ से अब हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से कट कर लिया, यहाँ से धागे कट कर देते हैं, और यहाँ से हमने छोटी सी नेक कट कर ली है। नेक कट करने के बाद में बीच से हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये मैंने 2 फैब्रिक लिए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सिंपल इस तरीके से आस्तीनों को स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरीके से आस्तीन स्टिच की, और पूरे पीच राउंड में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। जो हमारा पीच का पार्ट चोली का ओपन है ना, उसमें हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से पूरे नेक में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। बहुत ही इजीली ये ब्यूटीफुल सी आप चोली कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप, जैसे कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5.5 इंच थी, या फिर आप 5 इंच रख रहे हैं तो आप 6 इंच रख सकते हैं, 7 इंच रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इतना स्टिच किया, बाजू को स्टिच किया है, और बीच में स्टिच किया है। सिंपल अब हमें इसे खोल लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से इसको खोलेंगे, कितनी आसानी से हो गया। तो ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से हमने इसको खोल लिया है। बीच सेंटर से अच्छे से खोलते हैं। अब इसको हम पूरा बीच में एक पट करके सिलाई लगा देंगे, जैसे कि हम लगाते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से मैंने इस तरीके से नेक को खोला पूरा, और यहाँ से अब जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा था, इसको हम बंद करेंगे ना, तो इस तरीके से हल्का सा हाथ से ही प्रेस करके बंद कर देंगे, और यहाँ भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और सिंपल इस तरीके से बाजू पर भी हम एक पट करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। वो
पूरा मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई लगाकर अब क्या करना है हमें सिंपल इस तरीके से सिलना है। पूरी चोली हमारी रेडी है, पीछे से भी लॉक कर लिया था। अब ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो है ना कितना इजी है गाइस ये चोली बनाना, और ये काफ़ी अच्छे से कान्हा जी के चलती है और फिट भी आती है, उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चोली बनी है। चाहे तो आप इसमें हुक बटन कुछ भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने ली है पट्टी जिसके हम स्टेप बनाएंगे। सिंपल इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करके दोनों साइड से इस तरीके से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी पट्टी को सिलेंगे और इसके स्टेप कट कर लेंगे और बीच सेंटर लेंगे अपनी ड्रेस का जो हमने घेर बनाया था, और उसको इस तरीके से दोनों को रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे 2-3 बार अच्छे से पक्का करके। अब ये देखिए मैंने लिया है यहाँ पे कैप का फैब्रिक, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने एक साइड से स्टिच किया और फिर हम इसको जितनी हमें नीड है, जितना कि आपने कान्हा जी के सर का नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टिच कर लेंगे और एक कट करके सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया था, अब सिंपल इन दोनों को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक साइड स्टिच कर देंगे। इससे क्या होता है इस तरीके से बनाने से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई, और आप देखिए गाइस फिटिंग कितनी अच्छी आई है। सिंपल हमें इस तरीके से सुई धागा लेना है और इस तरीके से सुई को टाँके लगाने हैं अपनी कैप को। ये देखिए इस तरीके से टाँके लगाएंगे। टाँके लगाने के बाद इनको अच्छा से प्रेस करेंगे हाथ से। ये देखिए 2-3 बार राउंड इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे और 2-3 बार अच्छे से टाँका लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरीके से भी कैप काफ़ी सुंदर लगती है, पर आप ध्यान देते हुए कि आपका फैब्रिक छीने वाला या फिर निकलने वाला ना हो, जिससे कि उसमें से रेसे निकले तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से लॉक था ऊपर से कपड़ा, तो हमें इसको स्टिच करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल कोई धागा है तो उसको काट देंगे। ये देखिए हमारी पूरी पोशाक रेडी है। मैं कान्हा जी को आपको पहना कर दिखाती हूँ। ये मेरे पास 4 नंबर के कान्हा जी हैं जिनको मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से चोली बनाई, कितनी अच्छे से फिट आई है एकदम कान्हा जी के। आप देख सकते हैं मैं पीछे बाद में हुक वगैरह लगा दूंगी। इस तरीके से अपने स्टेप को रखेंगे और इस तरीके से कान्हा जी को पहनाएंगे। ये देखिए गाइस हमने कितने अच्छे से कान्हा जी को ये ड्रेस पहना दी है। अब हम इनकी कैप भी लगा देते हैं। मैंने बोला था ना कान्हा जी की, देखिए कैप कितनी अच्छे से आई है। इस तरीके से आप कैप बनाओगे तो काफ़ी फिटिंग से और काफ़ी अच्छे से आएगी। ये देखिए कितनी सुंदर पोशाक हमने फैब्रिक से ही कान्हा जी के लिए बना ली है, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियाँ थोड़ी कमी हो गई हैं, तो इस तरीके की ड्रेस आप कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।